ये जो वीडियो है, मैं आपके सामने कुछ ऐसा वीडियो ही लेके आता हूँ हमेशा। आज भी कुछ नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम घाटी के तालाब, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ उसका नाम है घाटी का तालाब। आप नाम सुन करके बिल्कुल चकाचौंध हो गए होंगे। हाँ, डूंगरपुर से मैं डूंगरपुर से शूट कर रहा हूँ और ये घाटी का तालाब है। कई जनों को मालूम होगा, हो सकता है बहुत सारे जनों को मालूम हो, किसी को नहीं मालूम हो। आज से 25 साल पहले यहाँ पर ठसाठस पानी भरा हुआ होता था, बिल्कुल उस लेवल पर, बिल्कुल उस लेवल पर जहाँ सीढ़ियाँ दिख रही हैं वहाँ पर इतना पानी भरा, लबालब भरा हुआ होता था। आज इस घाटी के तालाब की ये स्थिति है क्योंकि बारिश नहीं हो पा रही है। बाकी ये तालाब इतना अच्छा है, चारों तरफ से आपको घने घने पेड़ दिख रहे हैं, जंगल दिख रहा है, बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ की। यहाँ पर मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आज से 20-25 साल पहले मैं भी छुप करके स्कूल से नहाने आता था यहाँ पर, तो बिंदास राइड्स, मैंने भी इस पे बहुत ज़्यादा नहाया हूँ, छलांगे लगाई हैं, तैरने की कोशिश की है इस तालाब में। आज इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि बारिश नहीं गिरी। मैं तो हैप्पी मानसून के साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि फिर से ये तालाब भरा भूरा हो जाए, पानी अच्छी तरह से आ जाए, इसकी जो लेवल है वो बढ़ जाए और वापस से हमारी डूंगरपुर की छटा वापस से बहुत अच्छी हो जाए। तो डूंगरपुराइट्स, इस वीडियो के जरिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि हैप्पी मानसून, जैसा कहते हैं मानसून आना बहुत ज़रूरी है, बारिश गिरनी बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ज़्यादा पेड़ लगाइएगा, उसको काटिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। अगर पेड़ है, जल है, तो जीवन है, बाकी कुछ भी नहीं है भैया। तो इस वीडियो के जरिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि पेड़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा और जल को बचाइए। जहाँ पेड़ होंगे वहाँ ही बारिश अच्छी होगी।